जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर, साथ तो बेल आइकन जरूर जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता से रिलेटेड किसी भी राज्य और किसी भी शहर की कोई भी यहाँ पर अपडेट आती है तो हम सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर लेके आते। आज हम स्टूडियो में बात करने वाले 15 सितंबर 2019 की 10 सच्ची खबरें। जी हाँ बहनों, के लिए 10 बड़ी और अच्छी खबरें यहाँ पर लेके आए। मानदेय में भारी बढ़ोतरी, इस बार आपकी मानदेय में भारी बढ़ोतरी हो चुके, रुका हुआ मानदेय भी जल्द आना शुरू होगा। तो कई महीने ऐसे हैं जिनका मानदेय अभी तक रुका हुआ है, तो उनका मानदेय वो कब तक उनके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। साथ में सरकारी कर्मचारी घोषित होने की भी बड़ी ऐलान यहां पर चल रहा है, तो बहनों के लिए भी बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है। साथ में सम्मान काम सम्मान वेतन लागू होना चाहिए, तो इनके लिए भी एक बड़ी खबर आई है। तो मैं सारी न्यूज आपको स्टूडियो में बताने वाला हूं, तो बहनों आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, साथ वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ता से रिलेटेड पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ में बहनों ये महत्वपूर्ण जानकारी अपनी साथ की बहनों के पास में भी जरूर जरूर शेयर कर दीजिएगा, तो ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी बहनों को पता चल जाए। तो चलो बहनों देखते हैं सारी न्यूज। तो बहनों आज के मुख्य समाचार में सबसे पहले देखते हैं आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के वेतन में वृद्धि की घोषणा। तो बहुत अच्छी और बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहनें कई दिनों से यहाँ पर हड़ताल में लगी हुई थी, तो यही उनकी उम्मीद थी कि उनकी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के वेतन में एक वृद्धि की जाए। आशादित एक वृद्धि है उनके जो सैलरी है उनमें होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र सरकार द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को दिए गए नियमित प्रोत्साहन राशि को भी दोगुना करने की घोषणा की है। इसके अलावा सभी आशा कार्यकर्ताओं और उनके सहायकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मुफ्त बीमा कवर प्रदान करने की भी बात है वो कही गई है। लेकिन इस योजना को जितना बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है उतना फायदा मिलने वाला नहीं है। इस वर्दी के बाद भी कर्मचारी को कोई बड़ा फायदा मिलने नहीं जा रहा है, तो मैं पूरी न्यूज आपको बता देता हूं क्या है वर्दी, किस प्रकार आपकी वर्दी होने वाली है। पीएम मोदी की घोषणा के मुताबिक अब तक 3,000 रुपए लेने वाले कार्यकर्ताओं को अब 4,500 रुपए मिलेंगे। इसी तरह 2,200 रुपए प्राप्त करने वाले लोगों को अब 3,500 रुपए मिलेंगे और आंगनबाड़ी सहायकों के वेतन में 1,500 रुपए से बढ़ाकर 2,250 रुपए कर दिया गया है। अब पूरा मामला समझे, मैं पूरा मामला आपको बता देता हूं। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के वेतन में राज्य और केंद्र दोनों ही योगदान देते हैं। इसमें राज्य का 60% और केंद्र का 40% का अनुपात होता है, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी का 60% है वो राज्य सरकार देती है। अब पूरा मामले की अगर यहां बात करें तो 60% आपका है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपका 40% देता है, मतलब कि बढ़ोतरी केंद्र के 40% में की गई है। राज्य में यहां पर किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की है, जो वृद्धि कर रहा है वो केंद्र सरकार कर रहा है, 40% की वृद्धि केंद्र सरकार कर रहा है। अब केंद्र ने भले ही अपने हिस्से में यह बढ़ोतरी कर ली हो, लेकिन सच्चाई है कि कई राज्यों की सरकारें पहले ही से कई गुना अपने हिस्से में बढ़ोतरी कर चुके, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में केंद्र की ओर से कुछ खास बढ़ोतरी नहीं की गई और कार्यकर्ताओं को ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। इन राज्यों में है सैलरी, तो कौन कौन से राज्यों में कितनी कितनी सैलरी मिलने वाली है, तो द इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक पुडुचेरी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन 19,840 है और सहायिकाओं का वेतन 13,330 रुपये। दिल्ली में कार्यकर्ताओं को 9,638 और सहायिकाओं को 4,839 रुपये मिलते, जबकि आंध्र प्रदेश कार्यकर्ताओं को 7100 और सहायिकाओं को 4,600 रुपये। केरल में कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपये और सहायिकाओं को 7,000 रुपये। कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में कार्यकर्ताओं को 8,000 और सहायकों को 4,000 रुपये यहाँ पर मिलते, जबकि ओडिशा में कार्यकर्ताओं को 6,000 और सहायकों को 3,000 रुपये मिलते। हालांकि हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने अभी तक सैलरी में बढ़ोतरी को लागू नहीं किया गया है, जबकि सुविधा शुल्क न देने पर भुगतान के लिए भटक रही है आशा बहने। तो पूरी न्यूज में बता देता हूँ, न्यूज बरई ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीन कार्यरत आशा कार्यकर्ता गाँव गाँव घूमकर प्रसूताओं को ढूंढ है और उनका प्रसव कराती है, तब कहीं जाकर वह अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रही है। परंतु अस्पताल में पदस्थ बीसीएम सुनीता श्रीवास्तव द्वारा मांगी जा रही सुविधा शुल्क नहीं देने के कारण आशा कार्यकर्ताओं को पिछली चार पासे, यहां पर आप पूरी न्यूज में बता देता हूं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीन कार्यरत आशा कार्यकर्ता गांव गांव घूमकर प्रसूताओं को ढूंढती है और उनका प्रसव कराती है, तब कहीं जाकर वह अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रही है। परंतु अस्पताल में पदस्थ बीसीएम सुनीता श्रीवास्तव द्वारा मांगी जा रही सुविधा शुल्क नहीं देने के कारण आशा
कार्यकर्ताओं को पिछले 4-5 महीने से वाउचर का भुगतान नहीं हो सका। भुगतान कराने के लिए आशा कार्यकर्ता कई बार विभागीय अधिकारियों एसडीएम से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका भुगतान नहीं हो सका है। यह आरोप आशा कार्यकर्ताओं ने लगाया। गौरतलब है कि आशा कार्यकर्ता शासन की सबसे छोटी इकाई है, साथ में जो गांव-गांव घूमकर प्रसव और टीकाकरण कराने का काम है वो करती है। इसके लिए शासन द्वारा न्यूनतम मानदेय दिया जाता है। आशा कार्यकर्ता गांव-गांव में घूमकर अपना काम करती है और बाउचर से उनका भुगतान किया जाता है, परंतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बराई में पदस्थ BCM सुनीता श्रीवास्तव को सुविधा शुल्क नहीं दिए जाने की वजह से आशा कार्यकर्ताओं का भुगतान रोक दिया गया है। आंगनबाड़ी समिति के आने वाले 10,000 रुपये के भुगतान को खाते में डालने के लिए 2,000 रुपये की सुविधा शुल्क मांगी जाती है। रिश्वत नहीं देने पर समिति के भुगतान को भी रोक दिया गया है। कई आशा कार्यकर्ताएं ऐसी है जिनकी 16 डिलीवरी के बाउचरों का भुगतान नहीं किया गया। अगर बात करें रुपए देने के बाद ही बाउचरों का होता है भुगतान, बरई ब्लॉक के केत गांव में पदस्थ आशा कार्यकर्ता मनीषा ने बताया कि हम जो भी काम करते हैं उनका भुगतान बाउचर द्वारा किया जाता है, लेकिन BCM द्वारा मांगी जा रही सुविधा शुल्क नहीं देने के कारण बाउचर का भुगतान अटकाया। वैजयंती जाटव ने बताया कि समिति का पैसे देने के नाम पर पहले 2,000 मांगे गए थे और फिर 2,000 रुपये मांग रही है। 4 महीनों से डिलीवरी के केसों का भुगतान भी नहीं किया गया है। यहाँ पर पूरी न्यूज़ देखें तो आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि बाउचर का भुगतान कराए जाने के लिए हम लोगों ने जन सुनवाई में SDM को आवेदन दिया था। इस पर SDM ने BMO को अब हम सभी आशा कार्यकर्ताओं के कथन सुनने के लिए निर्देशित किया गया था। हम लोग अपने कथन कराने के लिए 11 सितंबर को शाम 5 बजे तक अस्पताल में चक्कर काटते रहे, लेकिन BMO द्वारा कथन नहीं लिए गए और न ही हमारा आवेदन स्वीकार किया गया। उन्होंने बताया कि BMO द्वारा वैजयंती जाटव, मनीषा, माया सेन भूरी आदिवासी और डोली गोस्वामी और निर्मला शर्मा BMO के पास कथन कराने के लिए पहुंची थी, लेकिन BMO द्वारा किसी भी कार्यकर्ता के कथन नहीं लिए गए। उसके अलावा इनका कहना है कि आशा कार्यकर्ताओं द्वारा जो भी शिकायत की जा रही है वह गलत है। मेरे द्वारा किसी से भी रिश्वत नहीं मांगी गई है। आशा कार्यकर्ताओं से मेरी कभी मुलाकात नहीं होती। भुगतान के बाउचर भी आशा सहयोगिनी लेकर आती है जो BMO के संज्ञान में रहते हैं। मुझे नहीं पता ये लोग आरोप क्यों लगा रही है। सुनीता श्रीवास्तव जो BCM प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बराई है, उन्होंने ये सब बोला है। जिसकी जिंदगी में आशा नहीं वह व्यक्ति जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। आशा का मतलब होता है मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आशा रीढ़ है। जब से आशा NM और आंगनबाड़ी ने कार्य किया है स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हुआ है। ये बातें जिलाधिकारी हीरा लाल आशा दिवस पर आयोजित सम्मेलन में कही है। राजकीय मेडिकल कॉलेज सभागार में मंगलवार को आयोजित सम्मेलन में DM ने कहा कि 1,000 की आबादी पर एक आशा का काम करना बड़ी बात है। आशा NM आंगनबाड़ी स्वास्थ्य क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रही है। 1,000 रुपये पाने वाली डॉक्टर से ज्यादा जिम्मेदारी निभाती है। DM ने निर्देश दिए कि माह पूरा होते ही सप्ताह भर में इनका वेतन भुगतान किया जाए। चेतावनी दी कि वेतन निर्गत करने में रिश्वत मांगी या लापरवाही की तो बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जो आशा बहने हैं उनको यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की रिश्वत मांगी जाती है तो यह बख्शा। उन्होंने कहा कि जो आशा NM आंगनबाड़ी अच्छा कार्य करेगी उन्हें टूर कराया जाएगा। DM ने गांवों में बिना ऑपरेशन प्रसव के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पौधारोपण करने, पॉलीथीन त्यागने और योग अपनाने की पर भी जोर दिया। अपर निदेशक डॉक्टर राकेश रमन ने कहा कि संचारी बाल व मातृ स्वास्थ्य में सुधार पर शासन से प्रतिपूर्ति राशि में 750 और मासिक वृद्धि का निर्णय लिया गया। आशा सविता देवी, आशा द्विवेदी और सुनीता देवी और सुधा गौतम और शकुंतला देवी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके पूर्व गुंजन कला मंच की बालिकाओं ने मयूर नृत्य पेश किया। CMO डॉक्टर संतोष कुमार ने आभार जताया। SCMO द्वारा RK संचान में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MC पाल, राज्य कार्यक्रम प्रबंध इकाई बलराम तिवारी, मंडलीय कार्यक्रम प्रबंध आलोक कुमार, DCPM नीरज सिंह, अमन गुप्ता समेत यहाँ पर कई मौजूद थे। सम्मान कार्य, सम्मान वेतन की मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने विधायक को सौंपा ज्ञापन। पूरी न्यूज हम देखते हैं। सम्मान कार्य, सम्मान वेतन की मांग को लेकर, सम्मान कार्य और सम्मान वेतन की मांग को लेकर मेलखेड़ा ब्लॉक की आशा कार्यकर्ताओं ने विधायक हरदीप सिंह डंग को ज्ञापन सौंपा। बुधवार को डंग के सामगढ़ आगमन के दौरान ज्ञापन दिया गया। आशा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देते हुए कहा है कि वे जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी कार्य करती है। गर्भवती के टीकाकरण, डिलीवरी, बच्चों का टीकाकरण सहित सभी प्रकार के अभियान सर्वे करती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सम्मान प्रत्येक रजिस्टर रखते हैं और सहायिकाओं के
सम्मान बच्चों को घर से बुलाकर लाते, फील्ड में कार्य करने के साथ अन्य कार्य जो दिया जाता है वह भी करते हैं जिसका हमें मानदेय नहीं दिया जाता। हमें महिला बाल विकास की तरह सम्मानकारी और सम्मानजनक वेतन है वो दिया जाए, हमें सरकारी कर्मचारी की तरह नियमित किया जाए सहित अन्य मांगों को लेकर विधायक हरदीप सिंह डंग को ज्ञापन सौंपा गया। संगीता मालवे, ज्योति सिसोदिया समेत यहाँ पर कई जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद थे। तो बहनों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी, आशा करता हूँ बहनों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि बहनों आशा बहनों से रिलेटेड किसी भी राज्य की और किसी भी शहर की कोई भी अपडेट आती है तो हम सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर लेके आते। तो बहनों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।